हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। और गाइस, आज मैं आ गया हूँ पॉबी प्ले टाइम वालों के नए गेम प्रोजेक्ट प्ले टाइम के ट्रेलर के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका रिएक्शन वीडियो ना गाइस मैंने उसी दिन प्लेनेट यूजर में डाल दिया था, तो आप ना वो वीडियो भी चेक कर लेना। बाकी गाइस, पॉबी प्ले टाइम वालों का हमेशा से इतिहास रहा है कि जैसे भी कोई नया गेम आता है ना, वो एक नया मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे चैप्टर 1 में हगी वगी था, चैप्टर 2 में मॉमी थी, चैप्टर 3 के लिए प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही ना, इस प्रोजेक्ट प्ले टाइम के लिए जो नया टॉय आया है ना, उसके बारे में हम ना इस वीडियो के एंड पे बात करेंगे, तो वीडियो को ना पूरा चेकआउट करना। तो गाइज यार, प्रोजेक्ट प्ले टाइम की स्टोरी ना उस टाइम की होने वाली है जब ये फैक्ट्री चालू थी, मतलब 1991 के बाद की, जब मॉमी लॉन्ग लेग्स को बना दिया गया था, और उस टाइम से पहले की, जब प्रोटोटाइप, मॉमी, हग्गी एटसेट्रा खतरनाक टॉयज ने पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मार के उधर कब्जा नहीं किया था, मतलब 2000 से पहले की शायद से। अब उस टाइम पे ना प्ले टाइम फैक्ट्री वालों को काम के लिए कुछ नए बंदों की जरूरत थी, सो उन्होंने टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह में वैकेंसीज निकाली, और पोस्ट का नाम था रिसोर्स एक्सट्रैक्शन स्पेशलिस्ट। मतलब रुको, एक बार जरा देख के बताता हूँ। 2 seconds later, संसाधन निष्कारण विशेषज्ञ। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे चुपचाप, काम क्या करना था उन्हें ये बताओ ना, ज्यादा ज्ञानी क्यों बन रहे हो यार? गजब बेइज्जती है। गाइज अभी आगे पे पता चल जाएगा कि इस जॉब में करना क्या था। नाउ गाइज यार, चार बेरोजगार लौंडे बोलू बोलू लोलू और पोलू उधर फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, और वो बेचारे इतने बदकिस्मत होते हैं कि उन्हें जाते ही ना जॉब मिल जाती है। अरे पागल कुत्तों ने काट लिया है क्या उन लोगों को जो मरने के लिए फैक्ट्री में जा रहे हैं ये? नहीं यार, कुत्ते वुत्ते ने नहीं काटा था, नहीं वो पागल थे। गाइस प्रॉब्लम तो ये थी ना, वो फैक्ट्री में जो नौटंकियां चल रही थी ना, अभी उनके बारे में ना बाहर लोगों को पता ही नहीं था किसी को। नाउ वो लोग पहले दिन जॉब पे पहुंचते हैं, और वहां उनका स्वागत करता है लीथ पियर, जो अगर आपको याद होगा तो वो प्ले टाइम फैक्ट्री का हेड ऑफ इनोवेशन था। नहीं अरे पॉपी प्ले टाइम 1 में उस हरी टेप में धमकी नहीं दे रहा था, जो कह रहा था कि फैक्ट्री बंद होने के बाद अंदर मत आओ, वही। सो पहले दिन ना वो उन सब ओलुओं को ना इंस्ट्रक्शंस देता है, कहता है कि इन हैजमेट बॉडी सूट्स को पहन के फैक्ट्री के एक स्पेसिफिक रीजन में जाओ, और उधर ना जितने भी टूटे टाटे टॉयज पड़े होंगे ना, उन्हें कलेक्ट कर लाओ। तो गाइस यार, ये तो थी हल्की सी बैक स्टोरी। अब शायद से ना जो सिनेमैटिक ट्रेलर था ना, वो ऐसी किन्हीं चार बेचारे मासूम से ओलुओं की ना दास्तान है। तो चलो अब जरा ये देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। पर उससे पहले आज का सवाल, इनमें से इविल नन का राइट हैंड कौन है? ए सिस्टर फिलिपा, बी विलियम, या फिर सी सिस्टर एंडा? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ गोलू बोलू लोलू और पोलू ग्रीन, ब्लू, लाल और पीले कलर के बॉडी सूट्स पहन के, आंखों पे मोबाइल फोन चिपका के, कंधों पे रेड और ब्लू ग्रैब पैक लटका के काम पे चल देते हैं। ना उधर ना जमीन पे काफी टूटे टाटे टॉयज पड़े होते हैं। अरे इन टॉयज को तो तोड़ के किसी ने फेंक दिया है, और ये देखो यार, ब्राउन के ऊपर तो खून भी लगा है। यार एग्जैक्टली वहाँ क्या चल रहा था ना, ये तो मुझे भी नहीं पता है, जब पता चलेगा ना मैं आपको बता दूंगा। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लो, ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपको पता चल जाए। नाउ वो लोग एक एक करके ना ग्रैब पैक का हैंड यूज करके उन टूटे टाटे पार्ट्स को वहीं रखी हुई कचरे के डब्बे जैसे दिखने वाली इन टॉय डिपॉजिट मशीन्स में डालने लगते हैं। अब ग्रीन गोलू के सामने ना कैट बी की मुंडी पड़ी होती है, सो वो उसे उठाने के लिए जैसे ही अपना ब्लू हैंड ऊपर करता है, उसे ना पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो मुड़ता है, और उधर ना जमीन पे एक छुटकू हग्गी वग्गी गिरा पड़ा होता है, जो अभी तक ना गाइस वहां नहीं था। सो ग्रीन गोलू बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ उस छुटकू हग्गी वग्गी को हाथ में उठा लेता है, और उसे देखने लगता है कि तभी ना वो जिंदा हो जाता है, और अपने हजार दांतों वाला मुंह खोल के चिल्लाते हुए हंसने लगता है। ग्रीन गोलू की तो धक्क हो जाती है गाइस, उसकी एकदम फट जाती है। सो वो ना उस छोटे हग्गी को फेंक देता है, सबके सब चौंक जाते हैं, कहते हैं ये क्या है? तभी उस ग्रीन गोलू की अंतरात्मा उससे कहती है, खोपड़ी तो छाले का। सो वो अपने पैर से उस छुटके हग्गिया को कुचल कुचल के उसका हलवा बना देता है, जिसके बाद वो छोटा हग्गुना चुप हो जाता है। मर गया। अरे मार मार के तो जबड़ा टेढ़ा कर दिया है, छोटा सा दिमाग भी बिचका दिया है, ओहो बेचारा मर गया ये तो। अब इसके बाद ग्रीन गोलू कहने ही वाला होता है कि बवाल चीज है वे, साला सिस्टम मिल जाता है। कि तभी ना उन्हें वेंट से किसी की आवाज आती है, सबके सब कान लगा के सुनने लगते हैं, और तभी
तभी गाइस ग्रीन गोलू के पीछे से ना बड़ा वाला हगिंदर आता है और वो उसे एक ही बार में पूरा का पूरा कच्चा चबा जाता है। अरे पूरा नहीं, हाथ तो लटका ही है वहाँ पे। ग्रीन गोलू ने जो अभी छुटकु हग्गू को नहीं मारा गाइस, बड़ा वाला हगिंदर ना उसका बदला ले लेता है। नाउ ये देख के ना बचे हुए तीनों गोलुओं की फटके चार हो जाती है और वो उधर से दौड़ लगा देते हैं, आगे आगे बोलू लोलू पोलू, पीछे पीछे हगिंदर, जिसका अगला शिकार बनता है लाल लोलू, जो बेचारा ना तेज नहीं भाग पाता। देन बच जाते हैं ब्लू बोलू और पीला बोलू, जो भागते भागते दिमाग दौड़ाते हैं और गेट क्रॉस करके ब्लू हैंड को यूज करके उस गेट को बंद कर देते हैं। एंड थैंकफुली हग्गी से जान बच जाती है गाइज उनकी। गाइज वैसे हग्गी ना बड़े जोर से पटका होगा, पीछे तो देखो गेट भी टेढ़ा हो गया है। नाउ सामने पे ना एक ट्रेन होती है, सो वो लोग ना बिना रुके ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। दोनों के मन में बचने की उम्मीदें जगने लगती हैं कि तभी ना पीछे से लंबे लंबे हाथों पैरों वाली मॉमी अपनी शैतानी हंसी के साथ आती है और ब्लू बोलू को जकड़ के पकड़ के गटक जाती है। वो भी बिना डकार मारे। पूछा मैंने कुछ। अब गाइज फाइनली बचता है पीला पोलू, जो अपनी पूरी जान लगा के भागते हुए उस ट्रेन में घुस जाता है। ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो मनी मन बोलने लगता है बच गए। कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है ना कि वो तो ट्रेन में अकेला नहीं था, वहाँ ना एक चाबी भरने वाला जैक इन द बॉक्स टाइप का टॉय रखा हुआ था, जिसमें ना गाइज अपने आप चाबी भरने लगती है। पीलू घबराते हुए उसे देखता रहता है, चाबी भरते रहती है, एंड देन एक साइड से ढक्कन खुलता है और एक फरी बालों वाला लाल हाथ निकलता है जिसमें ले बड़े बड़े नाखून होते हैं। देन दूसरा हाथ निकलता है, फिर पैर निकलता है और लास्ट में खोपड़ी, जो घप से पीलू को गटक जाती है और वो मॉन्स्टर पीलू के साथ वापस उस बॉक्स में चला जाता है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा जाता है, ऐसा लगता है ना गाइस कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो ट्रेन चलने लगती है, ट्रेलर खत्म हो जाता है। अरे डब्बे वाला मॉन्स्टर है कौन गाइस? वो था बॉक्सी बू, जो प्ले टाइम कंपनी में बना एक खतरनाक और खूंखार खिलौना है। ये बेसिकली ना एक जैक इन द बॉक्स टाइप का टॉय था, जो बॉक्स जैसा दिखता है, फिर चाबी भरो तो म्यूजिक बजता है और फिर अंदर से ये क्लाउन निकलता है। और प्ले टाइम वालों ने ना इसे भी राक्षस बना दिया और अब इस टॉय से ना कोई जोकर वोकर नहीं निकलता, बल्कि ये डेविल, ये इविल खूंखार राक्षस निकलता है, जो चाबी भी खुद ही भर लेता है। गाइज इसका मुंह हाथ पैर सब ना स्प्रिंग से जुड़े हैं ताकि ये बॉक्स में आराम से फिट हो जाए। बट बॉक्स में बंद होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक ही जगह बैठे रहता है गाइज, ये भाग भी सकता है, उछल उछल के पीछे पड़ जाता है ये। नाउ गाइज यार, इस डब्बे बॉक्सी बू के बारे में और प्ले टाइम कंपनी के कुछ और सीक्रेट्स के बारे में ना हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।